कर दो फट लो कैमरे से कैद कर लेना। होर भी सज्जनों कैम सेहतां ठीक ठाक हो अज थानू दर्शन करावा ये गुरुद्वारा अड़ी साहब का। बाकी अपने ज्ञानी ब्लॉगर साहब दसो फिर अपन गुरुद्वारा अड़ी साहब खड़े हैं नौवें पातशाह जी जी ये चरण छोह प्राप्त धरती नौवें पातशाह जो मालवे के वाल आए हुए थे तो इधर आते हैं तो गुरुद्वारा साहब जी ने अपन पता लोकेशन जी धौला पिंड आ जाए खुडी कला आता है ना तो खुडी खुरद धौला पिंड कह दें धौले के आता है बरनाले से अपना पता गया जो नैशनल हाईवे 7 है वह गुरुद्वारा साहब सुशोभित तो डिस्क्रिप्शन जाकर लोकेशन चेक लो उतो गूगल तो आ जूगी। हाँ बाकी जो गुरु साहब इतने आते हैं तो एक जगह पर आके ना उन्होंने जो घोड़ा रुक जाता तो बाद फिर संगत दस देने जी अगे तंबाकू के जोड़े मुसलमानों ने खेत बीजे होंगे ने भी वो करके जो घोड़ा वो अड़ी पै गया जितों गुरद्वारा साहब का नाम अड़ीसर साहब पै गया घोड़ा मतलब आके अड़ गया रुक गया घोड़े की अड़ी पैन करके गुरद्वारा साहब का नाम अड़ीसर साहब पे। तो गुरु साहब जी के वचन से भी ये किसी दिन जो गुरु घर के सिख हो जस गाया करेंगे नाम जपणगे। सो हम आप जिमें अपना पता ही है तो बाद जो अज इतने ज़्यादातर जी सारी आबादी वो सिखा दी है इतने गुरद्वारा साहब सुशोभित उस स्थान चलो आज हम गुरुद्वारा साहब के दर्शन करवाने आगे चलते अगे ऐतवार इतने जो ज्यादा होंगे ना ऐतवार का कट ज्यादा होंगे वैसे तो सोमवार मंगलवार सारे दिन ही चलता गा जो आप आ सकते हैं पर ऐतवार को ज्यादा कट होंगे छुट्टी छुट्टी होंगी बैना बुना आ जाए करके ऐतवार दिखाने अच्छ श्रद्धा लोगों की मीह पेंदे के बच्चे भी किन्नी श्रद्धा लोगों की किन्नी संगत पहुंची हुई है बहुत तेज सीगा सरदा देखो भाई ये बोल है संगत इधर लाइना बनिया हुई जिन्हें मेरे वीर ने अरदास दे विच ना लिखाना अरदास करवाउणियां आ लाइना दे विच लगना पैंदा गा पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।